अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में और हम लाइब्रेरी के बाहर बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन से पूछते हैं कि लाइब्रेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो ये भी बहुत अच्छी इकदाम है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह, ये यूनिवर्सिटी सरगोधा की एक ऐसी वाहद प्लेस है जहाँ पे सारे स्टूडेंट आके कंफर्ट महसूस करते हैं। ये यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आते हैं और पूरा पूरा दिन यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं। ये लोग कहीं और नहीं जाते हैं, हालांकि यहाँ पे और भी बहुत सारे मंजर है देखने के लिए। लव रोड है, ग्राउंड है, धूप में नहीं आते लोग अंदर बैठ के पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं। अच्छा। और यहाँ पे एटमोस्ट 20,000 के करीब किताबें मौजूद हैं। जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट है, ये लाइब्रेरी 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। बेसिकली जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे लिंकन कॉर्नर्स और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक सिटिंग रूम्स है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं। और इसके ऊपर वाला जो रूम है वो साइंटिफिक है, वहाँ पे सारी अप्लाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं। और उसके ऊपर वाला जो है उसमें उर्दू के रिलेटेड सारे हैं। और जो नेक्स्ट 3 सबसे अपर पोर्शन है वो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड है। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी सरगोधा की, इसका नाम वज़ीर आगा लाइब्रेरी भी है। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ दूर दराज से आते हैं अपने एम को फुलफ़िल करते हैं। लोग CSS करते हैं यहाँ पे बैठ के, लोग PMS के इम्तहान पास करते हैं, PPSC करते हैं। यहाँ वो वाहद अदारा है यूनिवर्सिटी सरगोधा, और ये प्लेटफॉर्म जो उनको दिया गया है यहाँ पे डायमंड तराशे जाते हैं भैया। तो ये माशाल्लाह, मैं हर स्टूडेंट को यही कहूँगा, अगर वो यूनिवर्सिटी सरगोधा के स्टूडेंट है तो लाइब्रेरी को ज़रूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बनाएंगे। यहाँ पे जो नॉलेज है सर, जब तक हमारी कौमें किताबें नहीं पढ़ेगी उनके सीने में नॉलेज नहीं आ सकता। जब वो किताबें पढ़ना शुरू कर देंगी, नॉलेज उनके सीने में उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइब्रेरी वो वाहद स्पेस है यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द लाइब्रेरी को विजिट करें और यहाँ पे किताबों को खोल के पढ़ें, ये आपके लिए। आप यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, आप दूर दराज ग्राउंड में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे आके कौन पढ़ेगा? प्रोफेसर पढ़ेंगे यहाँ पे या स्टाफ आके पढ़ेगा? ये आप सबके लिए, अगर आपने कौम को आके लेके जाना है, अगर आपने कौम को लीड करना है, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बने, तो आपको लाइब्रेरी का दामन पकड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह। जो बुक्स अंदर पढ़ी हैं बड़ी बड़ी वो सारी लाजमी पढ़ें, और भाई लोगों का चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दें। तो वो थैंक यू सो मच। ओके 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 सर।